जूस के थ्रू होगा। अगर हम साइड की बात करें तो साइड ऑफ द बकल के एम्प्टी जा होते हैं प्रेजेंट वहां पर, और जा में होते हैं टीथ, और जो ह्यूमन टीथ होती है वो हेटरोडॉन्ट टाइप की होती है। हेटरोडॉन्ट का मतलब है डिफरेंट टाइप ऑफ डेंटिशन प्रेजेंट इन द ह्यूमन बीइंग। तो चार तरीके के पैटर्न पाए जाते हैं ह्यूमंस में, इंसीजर, कैनाइन, इंसीजर्स तरीके के दांत जो होते हैं वो शार्प होते हैं, और जो कैनाइन होते हैं ये खास तौर से कार्निवोर्स में प्रेजेंट होते हैं, फेलिडी कैनिडी में प्रेजेंट होते हैं, कुत्ता बिल्ली और शेर की फैमिली में प्रेजेंट होते हैं। ये कैनाइन टीथ जो होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं और पर्स करने के लिए काम आते हैं, भेदने के लिए काम आते हैं, चीरने फाड़ने के लिए काम आते हैं। और प्री मोलार एंड मोलार, तो मोलार और प्री मोलार ये ग्राइंडिंग टाइप ऑफ टीथ होते हैं जो कि फूड को ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं, उसको कुचलने में, सलाइवा के साथ मिक्स करने में, उसको बोलस के फॉर्म में करने में, इसमें इसको हेल्प करते हैं। इस तरीके से हमने देखा कि जो रूफ है बकल कैविटी की वो पैलेट बनाती है, और जो फ्लूइड है बकल कैविटी में वो सलाइवा है। वो सलाइवा किससे आ रहा है? वो सलाइवा थ्री पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड से आ रहा है, जो कि पैरोटिड, जो कि साइड ऑफ ईयर पे या इस स्पेस पे इंटरनल बकल कैविटी में प्रेजेंट होता है। सब मैंडिबुलर जो कि एंगल ऑफ जॉ पे एक पेयर प्रेजेंट होता है, दोनों साइड प्रेजेंट होता है, और सब लिंगुअल जो कि बिलो द टंग प्रेजेंट होते हैं, और इनके फ्लूइड बकल कैविटी में आते हैं। इस वजह से सेलिवरी ग्लैंड को एक्सोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं, सेलिवरी ग्लैंड को एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्यों कहते हैं? बिकॉज दे हैविंग डक्ट्स। तो ऐसी ग्लैंड जो डक्ट के साथ अपना सिक्रीशन किसी कैविटी में सिक्रीट करती हैं उसको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और ऐसे ग्लैंड्स जो अपना सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड में पोर करती हैं विदाउट डक्ट, ऐसी ग्लैंड्स को हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। जैसे पिट्यूटरी हुए, जैसे थाइमस हुआ, जैसे थायराइड हुए, जैसे गोनड्स हुए, एटसेट्रा। हम अगर बात करते हैं फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी की, तो फ्लोर जो है, जो उसकी फर्श है, वो कौन बनाता है? वो टंग बनाता है, और ह्यूमन टंग में टेस्ट बड्स होते हैं जिसके इंटीरियर पोर्शन पे स्वीट होता है, साइड में साल्ट होता है। तो यहां पर टेस्ट बड्स होते हैं स्वीट साल्ट, ये एरिया सॉ के लिए खट्टेपन के लिए, और दिस एरिया इज बिटरनेस। टंग होता है इसके बाद फैरिंग से हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम फैरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में, और डाइजेस्टिव एलिमेंट की कैनाल के बारे में, और उसके ऑर्गन्स के बारे में हम और भी जानेंगे। किसी भी एडल्ट ह्यूमन बीइंग्स का जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो होता है 2-1-2-3, मींस इंसीजर्स उसके किसी भी जा में, अपर या लोअर जा में, किसी एक हिस्से में इंसीजर्स 2 पेयर्स होते हैं, कैनाइन 1 पेयर होता है, प्री मोलार 2 पेयर होते हैं, और मोलार 3 पेयर्स होते हैं। इस तरह से 2-1-2-3 ये कुल मिला के 8 हुए, यानी कि हाफ ऑफ लोअर जा या हाफ ऑफ अपर जा में 8 हुए। इस तरीके से पेयर्ड लोअर जा में 8-16, और लोअर और अपर जा में मिला के कुल मिला के 32 टीथ हुए। तो किसी भी ह्यूमन बींग्स के अपर और लोअर जा में कुल मिला के 32 टीथ होते हैं अगर वो एडल्ट ह्यूमन बींग है।